जाना है। ठीक है चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और हम जा रहे हैं अभी मायके रामलीला में, वहाँ रामलीला चल रही है। आज 8वां दिन है और हम जा रहे हैं, ये रोड पहुँच गए हैं। अभी भाई आ रहे हैं बुआ का लड़का, तो बस उसके साथ चलेंगे। तब तक हम थोड़ा थोड़ा पैदल पैदल चल रहे हैं। ये वैष्णवी है, पापा और घूटू आ गए। ये दुकान अभी तक खुली हुई है, 8 बज चुके हैं और अभी तक ये दुकान खुली हुई है। यहाँ पे देखिए 8:30 बजने को हैं। राहुल भी आ चुका है, अब हम चलते हैं रामलीला में। हेलो राहुल, हेलो जिधर जिधर। ये है राहुल भाई और हम जा रहे हैं 11 देवी रामलीला में। चलिए चलते हैं। हाय बोल। बच्चे क्या कर रहे हैं? सो गए दोनों? ये देखिए गाइस, जैसे ही हम पहुंचने वाले थे वैसे ही दोनों बच्चों ने उठ के उल्टी कर दी। और देखिए वैष्णु का पैजामा, मुझे दिखाना तो नीचे बट मैं सोचा चलो रख देती हूँ। और अपने पापा का पैजामा भी पूरा, पैंट भी पूरा गंदा कर दिया था, तो अभी यहाँ पे धारा है, पानी है, तो वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं बच्चों को भी खुद को भी। गाइज हम पहुँच चुके हैं अभी 11 देवी में, और 11 देवी की पहचान है आगे का वैष्णो देवी माता मंदिर। और देखिए यहाँ पे ना गाड़ी पार्क के लिए भी जगह नहीं हो रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर में। जय हो वैष्णो देवी माता। और यहाँ की पहचान है ये 11 देवी मंदिर बोलते हैं इसे। और दूध की बोतल थी वो जो सीधी दुकान में रखने जा रहे हैं। नीचे के बाद हम जा रहे हैं नीचे को। रामला लगभग 8:30 बजे से शुरू हो जा रही है और हम 9 बजे पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा लेट पहुंचे। देखिए रामला शुरू हो चुकी है, आवाज़ आ रही है। परिस्थितियां होती होंगी उस युग में जो अत्याचार आम जनमानस पे किया उसका अंत करने के लिए जिसके सर्व हमें देखने को मिलता है उस युग में बाली का अंत होता है। अगर बाली और रावण की बात आती है, ज्ञान प्राप्त था कि बाली इतना बड़ा योद्धा होगा पूरे अपने विश्व में कि जो भी व्यक्ति उसके सामने युद्ध पे हनुमान जी और रुबिसर संवाद चल रहा है जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में गए थे। गाइज अगर आप पहाड़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये अशोक वाटिका की राक्षसी हैं और उन्हें स्वप्न आया है कि रावण हाथ कटा के शीश कटा के गधे में बैठकर दक्षिण की ओर जा रहा है, बस उसी का दृश्य है ये। यहाँ उपस्थित समस्त आमा बुबू
ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची, दादा भाभी और सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी ओर से नमस्कार, पहला प्रणाम। आज माँ वैष्णवी देवी की कृपा है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मंच से अपनी चंद पंक्तियाँ सुनाने का मौका मिला है। करती हूँ श्री रामलीला। श्री राम जी से प्रेरणा, श्री राम की सी प्रेरणा, लक्ष्मण का सा भ्रात प्रेम। श्री राम की सी प्रेरणा, लक्ष्मण का सा भ्रात प्रेम। सीता जी सा सतीत्व, भरत शत्रु सी निस्वार्थता। सीता जी सा सतीत्व, भरत शत्रु सी निस्वार्थता। क्या हमारे भीतर आ पाएगी, क्या हमारे भीतर आ पाएगी रामायण सी चरित्रता। वचन हेतु ग्रह त्याग किया, वचन हेतु ग्रह त्याग किया। राजपाट सुख सुविधाओं से एक क्षण में मुख मोड़ लिया। वचन हेतु ग्रह त्याग किया, राजपाट सुख सुविधाओं से एक क्षण में मुख मोड़ लिया। जो महलों का राजा था, जो महलों का राजा था, अब वो कुटिया में साजा था। तो थे राम के वचन, तो थे राम के सर्वस्व त्यागा लखन ने। क्या लखन की सी जीवटता, क्या लखन की सी जीवटता का एक अंश भी हमारे भीतर समा पाएगा। रीत थी रघुवंश की, यह रीत थी रघुवंश की, यह जीत थी हिंदुत्व की। ये आदर्श से सनातन के, ये गौरव थे धरातल के। ये आदर्श थे सनातन के, ये गौरव थे धरातल के। अंत में इसी आशा के साथ अपनी पंक्तियों को विराम दूंगी कि इस पूर्ण कार्य श्री रामलीला के मंचन से हमारे भीतर सार्थकता और सकारात्मकता का विकास होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। हम घर को जा रहे थे और वैष्णवी भूख लगी है बोला तो उसने मोमो खाने की इच्छा जाहिर की, तो टेस्टी थे, तो एक प्लेट वैष्णवी, एक प्लेट मैंने भी खाई, बहुत अच्छे बने थे। तो हेलो गाइज, आ चुके हैं हम रामलीला से। अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, 11:30-11:30 होने के हुए, पर बच्चे परेशान हो गए थे, सोने की तैयारी में थे और मुझे परेशान कर रहे थे, तो चलो हमने सोचा कि चलते हैं, जोशी जी ने भी कहा चलते हैं। चलिए गाइज, फिलहाल हम चलते हैं घर को। हम आ चुके हैं घर में और 12 बजने को हैं, आ गए हैं। बच्चे परेशान करने लगे थे तो इसलिए जल्दी आ गए, और इतने सालों बाद वहाँ रामलीला हो रही है, 16 सालों बाद, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब देख के वो पुराना दृश्य याद आया। वैसे तब तो मैं छोटी छोटी हुआ करती थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा चंद पंक्तियाँ सुनाई मैंने वहाँ पे अपने लिखी हुई, श्री राम जी के को समर्पित थी, लेकिन इतनी अच्छी तो नहीं हो पाई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, ऐसा हुआ ना, मैंने वहाँ पे पुराने अपने सभी लोगों को देखा तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस कम पड़ गया था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बट जो भी थी लोगों को पसंद आई, तो चले गाइज अभी के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और वहाँ ना जो भी कलाकार बने तो वो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब इतने सालों बाद लामरा रोली, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और चले गाइज, मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब अच्छा सा, मतलब बैक स्टेज शूट करूंगी, लेकिन गाइज आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ कैसा होता है, एक तो मुही छोटी है तो वो मेरे से अलावा किसी के पास रहती नहीं, वो मेरी जब तक पोएम बोल रही तब तक रह गई बच्चों के पास, दीदी लोग के पास, तो इस वजह से मैं बोल पाई, वरना वो भी नहीं हो पाता, तो फिर ब्लॉग तो फिर दूर की बात है। चलिए गाइज, जैसा भी है, चलिए फिलहाल के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।